गाइस आप लोग को तो पता होगा बहुत सारा प्लेसेस में जो है प्लेको फिश हम लोग का जो इंडियन प्लेको फिश है वो बैन हो चुका है गाइस so मैं इसके बारे में पहले भी बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई बैन हो चुका है अभी नहीं मिलता है स्टोर में तो आप लोग में से ऐसा बहुत कोई है मेरे को डीएम कर रहे कि ये प्ले को पाल सकते हो वो पाल सकते हो पर इंडियन क्यों बैन हुआ है मेरे पास अभी इंडियन है तो क्या करूँ आज ये सब क्वेश्चन का मैं इसी वीडियो में आंसर दूंगा अगर आपके पास है तो क्या करना है क्यों बैन हुआ है क्या हो रहा है रियली प्ले को फिश को लेके सो so, गाइस आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो को पूरा एंड तक देखना वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर भी नहीं होता सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना चलिए गाइस आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं सो गाइस हम लोग का जो इंडियन प्ले को होता है वो बेसिकली बहुत ही बड़ा हो जाता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये जो प्लेको है ये जब छोटा रहता है तो आप लोग को पता होगा एलगी में फीडिंग देता है पर जब जब बड़ा हो जाता है ये पेलेट लाइव फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं जैसे मेरा जो प्लेको है वो अभी पेलेट फीडिंग भी नहीं लेता है वो लेता है लाइव फीडिंग मैं जब आर को सरिम्स देता हूँ ऑस्कर को सरिम्स देता हूँ तो वो भी खाना स्टार्ट कर देता है अब आते हैं पॉइंट पर कि भाई बैन क्यों हो रहा है क्योंकि बहुत जगह पर अभी जो प्लेको है उसे क्रश किया जा रहा है उसे ग्राइंड मतलब मार दिया जा रहा है पर क्यों ऐसा हुआ क्या है गाइस अगर थोड़ा टाइम पीछे जाए हम लोग देखे हैं कि भाई प्लेको हम लोग का नॉर्मल लोकल फिश स्टोर में मिलता है पाँच दस पंद्रह रुपया में पर गाइस अभी जो है मिलता ही नहीं है और अभी जो है मैक्सिमम स्टोर अगर आपके पास है तो वो लोग लेता भी नहीं है तो होता क्या है स्टोर से लेके घर जब आते हैं हम लोग उसे बहुत अच्छा से रखते हैं जब लगभग एक डेढ़ फीट हो जाते हैं तब हम लोग और रख नहीं पाते क्योंकि गाइस स्टोर कीपर बोलोगे एलगी खाने के लिए तो हम लोग के पास अगर एक क्यूबिक टैंक है या फिर एक दो फीट का ही टैंक है हम लोग एलगी खाने के लिए उसे लाएंगे पर वो ओवर ग्रो करना स्टार्ट करेगा तब हम लोग क्या करेंगे सो so गाइस उस टाइम पे जो है हम लोग का जो बैरेज हम लोग का जो डैम्स होता है उसमें जाके लोग छोड़ के आ जाते हैं प्ले को और मैं जो पहले बोला प्ले को जब बड़ा होता है और एलगी नहीं खाता है। वो पेलेट फीडिंग लेता है या फिर लाइव फीडिंग अब जब डैम्स में छोड़ के आता है तो वहाँ पे तो पेलेट नहीं मिलेगा वहाँ पे क्या मिलेगा लाइव फिशेज जो भी है रोहू कातला जो भी मिलता है उधर उसे क्या होगा उसमें प्ले को फीडिंग लेना स्टार्ट कर देगा अब फीडिंग लेते लेते क्या होगा हम लोग का जो रिव मतलब गंगा या फिर दामोदर जो भी हो जाए रिवर उसमें जो फिशेस है वो सब मर जाएगा धीरे मर तो नहीं जाएगा मतलब प्लेको का पेट में चला जाएगा और इन केस आप लोग उस डैम पे दो प्ले को छोड़ के आए बाई मतलब बहुत ही बैड लक में वो अगर मेल फीमेल प्ले को हो जाए एडल्ट प्ले को प्ले को बहुत ही जल्दी अंडा लेकर करता है और उसका बच्चा रैपिडली होता है मतलब उधर अगर दो प्ले को छोड़ गया दो से दस होगा एक बार में दस से बीस बीस से तीस तीस से पचास पचास से सौ ऐसा रैपिडली ग्रो करते जाएगा प्ले को और जब जब ग्रो करेगा वो जो है पूरा जो मछली है उधर का सबको मार के खा लेगा और गाइस हम लोग का बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग का जब डैम्स क्लीन किया जाता है या फिर कभी कभार डैम्स का जो गेट्स है वो ब्रेक कर जाता है तो गाइस उस टाइम पे रिपेयर करने के टाइम उधर बहुत सारा प्लेको देखा गया है प्लेको इतना मतलब हार्डी है कि वो मरता भी नहीं है इतना वीक फिश नहीं है कि जल्दी मर जाएगा अगर थोड़ा वाटर कंडीशन ख़राब हो जाए मर जाएगा बहुत ही खराब वाटर कंडीशन में भी प्लेको जो है सर्वाइव कर लेगा कोई दिक्कत नहीं है उसे वो ऐसे मरेगा भी नहीं देखेगा फीडिंग भी नहीं मिलेगा तब भी नहीं मरेगा कुछ ना कुछ खा के तो जी लेगा सो गाइस बेसिकली क्या होता है प्लेको का जो इंडियन प्लेको है इसका पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ते जा रहा है हम लोग के वजह से हम लोग जो है पालते हैं बड़ा होता है तो छोड़ के आ जाते हैं बस उसके बाद पूरा खत्म हो जाता है अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग का घर में है तो उस टाइम पे क्या करें सो गाइस मैं बोलना चाहता हूँ इवन मेरे पास भी अभी तक एक प्लेको है पर गाइस ये प्लेको को मैं जो है अभी धीरे धीरे लाइव फीडिंग देना बंद कर रहा हूँ मैं क्या देता हूँ पेलेट फीडिंग देता हूँ मैं जो आर टी सी ऑस्कर है उन लोग का हैंड फिट करा देता हूँ पर मेरा जो प्ले को है उसको मैं बेसिकली लाइव फिडिंग नहीं देता मैं नहीं चाहता ओवर ग्रो कर जाए पर प्ले को बहुत ही काम का है इंडियन प्ले को बहुत ही काम का है बिलीव मी अगर आपके पास पॉन्ड है तो बहुत काम आएगा पर गाइस ये जो ओवर ग्रो करेगा उस टाइम पे क्या होगा इसीलिए आप लोग के घर में अगर है आप लोग देना नहीं चाहते या फिर दे रहे तो स्टोर कीपर लेना नहीं चाहता उस टाइम पे आप लोग क्या करेंगे उसका जो लाइफ फीडिंग है बंद कर दीजिए उसे पेलेट फीडिंग दीजिए सी वो आराम से सर्वाइव कर लेगा वो मतलब नीचे जो कचरा है वो खा लेगा एल्गी है खा लेगा देखिए अगर खाना नहीं मिलेगा फिर से वही फीडिंग में हैबिटेट हो जाएगा ऐसा नहीं कि खाना ना खा के रहेगा वो एक दिन नहीं खाएगा दो दिन नहीं खाएगा पर तीन दिन में जो है वो जो है ये सब बॉटम जो कचरा होता है ये सब खाना शुरू करेगा या फिर एल्गी है ये सब फिर से खाना शुरू कर देगा तो उस टाइम पे क्या होगा ये जो है ओवरग्रो नहीं करेगा और गाइस आप लोग अगर चाहते हैं बेच देना तो वो भी बेच सकते हैं क्योंकि प्ले प्लेको बहुत सारा रीजन में अभी सभी रीजन में नहीं हुआ है पर बहुत सारा रीजन में अभी स्टोर हम लोग का इधर भी स्टोर में आना बंद हो गया है इसलिए बहुत सारा रीजन में बैन हो गया है पर प्ले को बहुत ही काम का है प्ले को आप देखिए इम्पोर्टेड वाला जो को है एल का गोल्डन नगेट आ, ब्लू आइस जो होता है सब कुछ ये अभी भी लीगल है बट बेसिकली जो टारगेटेड प्ले को है इंडियन प्ले को क्योंकि इंडियन प्ले को बहुत ही रैपिडली ग्रो करता है रैपिडली अंडर देता है और इसका जो रैपिडली है पॉपुलेशन बढ़ते रहते हैं और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण दूसरा जो फिशेस है उन लोग को मार के खा लेते हैं अब ह्यूमन पॉपुलेशन को जो है बहुत ही अफेक्ट हो जाता है इससे इसलिए का इस प्ले को क्या क्या हो रहा है अभी जो है क्रश करके मार दिया जा रहा है और प्ले को हार्ड ही ऐसा तो नदी में मर नहीं जाएगा तो इसे मार दिया जा रहा है इसलिए का इस प्ले को जो है ये रीजन से बैन हो गया सो गाइज होप कर तो आप लोग को आंसर मिल गया होगा भाई अगर मेरे पास है तो क्या करो या फिर बैन हो गया तो मतलब मेरे पास है तो उसे फेक नहीं दे सकता स्टोर में नहीं दे सकता तो क्या करो या फिर बैन क्यों हुआ है या फिर अगर प्ले को पालना चाहता है आप कौन सा पालू अब देखिए प्ले को आप इम्पोर्टेड वाला ही पालिए ये इंडियन प्ले को अगर कहीं भी मिल भी रहा है तो अभी मत पालिए आपके पास है तो बहुत ही अच्छा अगर नारी मतलब नया खरीदने का सोच रहे हैं तो मैं ही रिकमेंड करूंगा आप लोग मत पालिए मत खरीदिए नहीं तो कभी अगर आपके रीजन में मतलब बैंड हो जाएगा आपको दिक्कत फेस करना पड़ जाएगा सो so गाइज़ आज का वीडियो अगर बहुत ही अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना लाइक के बिना कहीं मत जाना और ऐसा वीडियोज़ इन फ्यूचर रेगुलरली देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब तो करना ही होगा और गाइस कल का वीडियो से एक कमेंट बहुत ही रैपिडली आ रहा था कि तुम्हारा जो एक्ोरियम है टाइगर सो बन उसका उसमें हीटर निकला हुआ है बाहर पर गाइस इसका आंसर मैं बोलना चाहता हूँ बहुत कोई ऐसा लिखा है तीन जन चार जन करके लिखा था पर गाइस अभी समर सीजन चल रहा है मैं जो है हीटर को यूज़ नहीं कर रहा इसलिए बेसिकली बाहर है वैसे कुछ दिक्कत होगा नहीं क्योंकि मैं हीटर यूज़ नहीं कर रहा अगर यूज़ करता तो भाई दिक्कत होता और गाइस कल का वीडियो में रिस्पॉन्स भी आप लोग का अच्छा मिला बहुत कोई सपोर्ट था इसलिए गाइस बहुत ही अच्छा लगा रिस्पॉन्स देकर सो गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मैं भी आप लोग को ऐसे इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो